आपने ग्रोथ की बात करी, दुनिया भर के लिए इशू है, हमारे लिए उतना बड़ा इशू नहीं है। आपसे पहले भी इस पर चर्चा हुई थी और यही सेम थॉट कल वित्त मंत्री ने भी कहा है संसद में। एक बार पहले सुन लेते हैं, फिर आपकी राय मैं लेना चाहूंगा। सुन लेते हैं वित्त मंत्री ने कल संसद में क्या कहा है। जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया स्लिपिंग इनटू रिसेशन। सो इट्स नॉट जस्ट मी सेइंग, देयर इज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया स्लिपिंग इनटू रिसेशन, even though there are several major economies who are in substantial risky position of getting into recession. So again, because we are comparing, I start with comparing things which are happening globally and also position myself in telling about India. Okay, तो ये है थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कल बयान संसद में। और अनिल जी, मुझे याद है कुछ समय पहले भी हमने वो इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में तो उन्हें रिसेशन नहीं दिख रहा, और उसके पहले भी सर आपने तो कह ही दिया था धीमापन है, क्योंकि ग्लोबल धीमापन है, बट हमारे लिए वैसी आशंका नहीं है जो ग्लोबली बनती हुई दिख रही है। कुछ चांस, मतलब बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट के जो ये चाहते हैं कि भाई पॉलिटिशियन को मार्केट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मार्केट अपने हिसाब से खुद अपना डिसाइड कर लेगा उससे ऊपर जाना नीचे जाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि भाई जब भी कोई मुसीबत हो, खराब हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री जी को आ जाना चाहिए या पॉलिटिशियन को आके जवाब देना चाहिए। दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान है। हमारी वित्त मंत्री आमतौर पर कम बोलती हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट कल पार्लियामेंट में उन्होंने दिया है बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है। मतलब प्रोबेबिलिटी मंदी की नहीं, ये तो हम जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन जो जोर देकर वो कहे 0% प्रोबेबिलिटी, 0% मतलब हमारी मंदी दूर दूर का है ही नहीं। मंदी हेडलाइंस में हो सकती है, मंदी कुछ लोगों के दिमाग में हो सकती है, लेकिन मंदी अर्थव्यवस्था में नहीं है, हमारी छोड़िए अमेरिका तक में नहीं है, जिसके लिए सबसे बड़ी रेसेशन की जो बात कर रहे हैं। सो आई थिंक इस पे तो अब ग्रेजुअली मुझे लगता है बहस करना और डिस्कशन करना ही बंद कर देना चाहिए कि हम मंदी की बात ही ना करें, बेहतर है। ठीक है, धीमापन होगा अमेरिका में होगा, जैसे जैसे ब्याज दरें वो नीचे बढ़ाकर इन्फ्लेशन को नीचे लाएंगे थोड़ा असर हम पर भी होगा, लेकिन हमें कोई फर्क, मैं तो जाता हूँ जितना जल्दी $70 क्रूड आ जाए हमारा काम हो जाएगा, बस मुझे ज्यादा दिनों तक नहीं चाहिए ऊपर, क्योंकि हर रोज हमें क्रूड खरीदना है और हर रोज ऊपर के दाम देने, तो ऐसा भी नहीं कि 3 महीने बाद 70 हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, तब तक 3 महीने तक का तो पेमेंट करना रहा ना। एग्जैक्टली, सो 3 दिन में हो जाए या 3 हफ्ते में हो जाए तो कहना ही क्या, यू नो। सो कितना जल्दी हम नीचे आते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, नीचे आना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना जल्दी नीचे आते हैं उतना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, सो हमारे लिए ठीक है, कोई दिक्कत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो वैसे मंदी की चिंता नहीं है, बस कच्चे तेल पर एक बार आपको नजर रखनी पड़ेगी आज के लिए। अच्छा।